अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आयकर विभाग आपके पैन को रद्द कर देगा, और अगर इसके बाद भी आप पैन कार्ड का यूज करते हैं तो आप पे 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग ने पहले ही सभी अनलिंक पैन कार्ड को निरस्त करने का ऐलान कर दिया था, और अब आयकर विभाग ने नई अधिसूचना जारी करके ऐसे पैन कार्ड धारकों के पैन रद्द करने का आदेश दिया है जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। अगर आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो इस आसान तरीके से पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप आयकर विभाग के आधिकारिक ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको बाईं तरफ पैन आधार लिंक करने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आयकर विभाग आपकी जानकारी को वैलिडेट करेगा, जिसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन आधार को पैन से लिंक करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। आधार बैंक लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर ना हो, जैसे नाम मिसमैच होना या डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपका पैन आधार लिंकिंग कैंसिल हो सकता है। आप इसका स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मामलों में आप पर ये जुर्माना लग सकता है। अगर आपने पैन की जगह गलत आधार नंबर दिया तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ आधार नंबर देना काफी नहीं है, आपको अपना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी प्रमाणित करना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर बैंक या फाइनेंशियल संस्थान ये सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं पैन और आधार नंबर सही लिखा गया है और उसका सत्यापन किया गया है, तो उन पर भी ये जुर्माना लगाया जा सकता है। हर गलती के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर आपने दो फॉर्म में अलग आधार नंबर दिया है तो आपको 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आधार कार्ड भले ही UIDAI जारी करता है, लेकिन जुर्माना UIDAI नहीं लगाता बल्कि इनकम टैक्स विभाग लगाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक डिपार्टमेंट पैन से जुड़े प्रावधानों के पालन में डिफॉल्ट करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पैन लेने, लिखने या प्रमाणित करने में गड़बड़ी होने पर हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना सिर्फ पैन तक सीमित था, लेकिन जब से पैन और आधार कार्ड को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने का प्रावधान आया है तब से आधार कार्ड पर भी ये जुर्माना बढ़ा दिया गया है।